जय जय राधे 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 जय श्री राधे श्याम। अतुल जी साथी हैं हमारे, अतुल का बोला राम हम जय। और जा रहे हैं ज्वाला जी के लिए, अभी दर्शन के लिए। जय ज्वाला मैया की जय, राधे जय श्री राधे। आइए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में अवस्थित श्री ज्वाला माता के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। कहा जाता है कि जब माता सती का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शिव ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे, तभी सती माता का जो जीव है शरीर में से, उनका जीव इसी स्थान में गिरा था, तभी से लेकर के इस स्थान का नाम ज्वाला जी पड़ गया। इस मंदिर को ज्योत वाली माता भी कहा जाता है। और इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडव लोग जब वनवास के समय में थे, उसी समय इसका उन लोगों ने खोज किया था, ऐसा माना जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अवस्थित है और यहाँ बहुत ही सुंदर ज्योत जलते हुए दिखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में माँ के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे श्री गुरु गोरखनाथ जी। माँ की पूजा अर्चना बहुत ही विधि से करते थे और इसी स्थान पर आए थे गुरु गोरखनाथ। तो मैं आगे दर्शन कराऊंगा, पहले हम श्री ज्वाला जी के दर्शन करेंगे। ज्वाला जी का ये बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन यहाँ पर बना हुआ है। सतयुग में बताया गया कि सतयुग में महाकाली के परम भगत राजा भूमिचंद्र को माता का स्वप्न हुआ था और सपने में साक्षात्कार हुआ, जिसके प्रेरित होकर राजा ने ये एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में राजा रणजीत सिंह और रसवस्व संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस माता के अंदर माता जी की 9 ज्योति प्रज्वलित है, जिनमें से महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। जय श्री राधेश्याम, ये मुख्य द्वार। जय काली, जय ज्वाला मैया की जय। और इस स्थान में एक बहुत ही प्राचीन जुड़ा हुआ यहाँ का जो इतिहास ये भी है कि अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था। उस समय ध्यानु नाम का माता का एक भक्त था, जो माता की दिल से पूजा करता था। वो अपने गांव में ध्यानु भक्त के नाम से जाना जाता था। एक दिन वो अपने सभी गांव वालों को साथ में लेकर के माँ का दर्शन करने के लिए ज्वाला जी आता है। और वो दिल्ली से होकर गुजरने लगा तो मुगल बादशाह अकबरों के सिपाहियों ने इनको पकड़ लिया और पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे दरबार में मैं जा रहा हूँ, माँ के दरबार में। तो अकबर ने ध्यानुभक्त से पूछा कि तुम्हारी माँ क्या क्या करती है। तब ध्यानुभक्त बड़े प्यार से उनसे उत्तर दिया, महाराज वो तो सारी जगत की माँ है, बहुत ही शक्तिशाली है और दयालु है। ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो माता रानी के नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने ध्यानुभक्त की घोड़ी के गर्दन काट दी और ध्यानुभक्त से कहा कि अगर तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली है तो यह घोड़े की गर्दन दोबारा से जोड़ कर दिखाए। यह सुनकर ध्यानुभक्त माँ की स्तुति करने लगा। जब माँ को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ तो ध्यानुभक्त को ने अपनी गर्दन काट कर माता के चरण में रख दी। उसी समय ध्यानुभक्त और घोड़े की गर्दन अपने आप जुड़ गई और घोड़ा फिर से खड़ा हो गया। यह देखकर अकबर हैरान हो गया। वह कभी माता के दर्शन के लिए सोने का छत्र लेकर दर्शन के लिए यहाँ पहुँचता है। सोने के छत्र चढ़ाने पर अब बड़ा अभिमान हो गया। जैसे ही वह मंदिर के माता के मंदिर में छत्र चढ़ाने लगा, तभी माता के ने उस छत्र को नीचे गिरा दिया और उसे जल
आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया आखिर वो छत्र किस धातु का है। छत्र ही गिर करके जल गया था। ये ज्योत है जो माँ का, ज्वाला जी का मुख्य ज्योत है। ये जो दर्शन कर रहे हैं आप लोग, ये ज्वाला जी का जो गर्भगृह है और बहुत ही सुंदर दर्शन है। और ये हिमाचल के कांगड़ा में अवस्थित श्री ज्वाला मैया की जय, ज्वाला देवी माता की जय। बहुत ही सुंदर दर्शन। आप लोगों को ये दर्शन कैसा लगा, इस वीडियो को अंतिम तक देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राधेश्याम। हजुरहरुलाई मैले यो दर्शन गराइराखेको छु। हम भारत को हिमाचल प्रदेश को कांगड़ा में अवस्थित श्री ज्वालाजी को दर्शन गराइराखेको थे। यो अकबर द्वारा ज्वाला माताजी को चढ़ाई सुना को छत्र थियो। यो चाहिँ अभिमान थियो र माताले स्वीकार गर्नु भएन। यो पछि गएर धातु भएर आजसम्म कसैलाई पनि थाहा नभएको यही ज्वालादेवी मन्दिरमा काङ्गडामा अवस्थित छ अहिले पनि ज्वाला मन्दिरकै प्राङ्गणमा। यही छत्र है जो अकबर ने छत्र चढाए भन्ने उसलाई अभिमान भएको थियो। हजुरहरुलाई अभिमानको कारण छत्र पनि चढ्न सकेन। राजा पनि अहिलेदेखि नै विभिन्नबाट बदलेर भारत नेपाल के भनेर जय सियाराम जय राधे। युट्युबको माध्यमबाट गराइराखेको छु र यो आज चाहिँ हजुरहरूलाई जय जय हिमाचलको काङ्गडा जिल्लामा अवस्थित श्री ज्वाला मैयाको दर्शन। थाहा छैन यहाँ कहाँबाट यति आगो निक्लिया छ, यति त्यो भित्रबाट चाहिँ पेट्रोल राखे जस्तै प्रकारले यहाँ चाहिँ आगो ज्योति जलिराखेको छ। एक जग्गा होइन, तिन चार जग्गा ज्योति जलिराखेको छ। कहिले समय मिल्यो भने आफ्नो जीवनमा यस्ता दिव्य दिव्य मन्दिर तारा माता की स्थानहरूको जङ्गलमा दर्शन अवश्य मन्दिर है। कहाँ मन्दिर है यसै कामनाको साथमा अगाडि फेरि कुनै भिडियो लिएर म समक्ष उपस्थित हुनेछु। तम्बु कर दियो को लागि जय माता की, श्री ज्वाला मैया की जय, तारा मैया की जय। श्री हिमाचल राज की जय। ये मंदिर का छत्र शिखर, मंदिर के शिखर ज्वाला देवी का। यो वीडियो अंतिम समय हेर्नु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद। सबैजनाले यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरैले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अगाडिका तीर्थस्थलहरूको मैले दर्शन अवश्य गराउनेछु। जय श्री राधेश्याम। आप सबैका हार्दिक धन्यवाद भिडियोको अन्तिम तक देख्नेको लिए। च्यानलको सब्स्क्राइब करें और भिडियोको शेयर करें। राधेश्याम।